आपने जलसी में, निंदा चुगली में, दूसरों को डाउन करने में अपनी चक्रा की शक्ति खत्म की है, वो फल जहां वो ही मिलता है, वो कम होता जाता है। आपको कोई डाउन करना चाहे तो आप बोले कि ये भी ऐसी शोर है, कोई कारण होगा इसका। कोई गाली निकाल दे, बोलेंगे ऐसी शोर है, कोई कारण होगा। टेम्परेरली कभी गुस्सा आ गया, छोड़ दें उसको, उसके बाद उसको क्षमा कर दें, आपका आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा। ऐसे ही है दोस्तों, आप अपने लैपटॉप में, फोन पे मेमोरी फालतू जगह से भर देंगे, फालतू कारणों से भर देंगे, फालतू अपलोडेड कर देंगे, कोई काम की चीज आएगी आप कर नहीं पाएंगे। हमारा आज्ञा चक्र, हमारा कलेक्टिव माइंड एक भूमि की तरह है, जमीन की तरह है। अगर तो आप जैसे जमीन में अच्छी खेती करके, अच्छी साफ करके, अच्छी क्लीन करोगे तो उसमें अच्छे फल आएंगे, अच्छे फूल आएंगे, अच्छी ग्रास आएगी, अच्छा अनाज आएगा। फिर भी उसके साथ साथ फालतू पौधे भी पैदा हो जाएंगे, उनकी काट छांट आपको करनी पड़ेगी। अगर उस जमीन को कुछ भी नहीं करोगे तो उसमें जंगल बन जाएगा, कोई जहरीले पौधे भी पैदा हो सकते हैं, आपका गुड लक का कोई अच्छा पौधा भी पैदा हो सकता है, पर उसमें गंदगी बहुत होगी। ऐसे ही दोस्तों, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा कलेक्टिव माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे हैं, इनको अच्छा अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छा अच्छा नॉलेज दोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छे सत्संग में रहोगे तो बहुत बढ़िया पैदावार होगी। तो आप ये आपके वश में है कि आपने अपने आज्ञा चक्र में क्या डालना है, कैसे विचार डालने हैं, कैसे जिंदगी को जीना है।